अपने बयानों से यूपी की सियासत में आए दिन चर्चा में रहने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने अंदाज में योगी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई हैं। सोमवार को लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने योगी सरकार के 100 दिन के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 100 दिन में सरकार एक काम बता दे। 100 दिन में तो नहीं पूरा हुआ और ये 5 साल में भी नहीं पूरा होगा। 100 दिन नहीं, 5 साल में भी पूरा नहीं होगा। और उन्होंने वादा किया था कि हम प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को हम 1-1 लाख लोन दे करके इनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। 100 दिन तो बीत गया, 1 महिला को लोन तो नहीं मिला। और इन्होंने वादा किया था कि हम प्रदेश में 100 दिन में 10,000 नौकरी देंगे, 1 भी नौकरी 100 दिन में नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था जनता के बीच में कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीत रहा कि जिस हफ्ते में कोई न कोई विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा। अपने बयान में राजभर ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां ये है कि थाना, ब्लॉक, तहसील, हर जगह अधिकारी काम के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। छुआछूत की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि दलित का बेटा सामान देने पहुंचता है तो लखनऊ में उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है सभी ने देखा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर मंडल में 1-1 मंत्री समूह भेजा गया। जब उनकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में ये बताया गया कि थाना अध्यक्ष से लेकर के DM सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। अभी झांसी में एक किसान गया जो है अधिकारी की अपनी फरियाद लेके उसे 8,000 रुपया घूस मांगा गया। जब वो नहीं देने को कहा तो कहा कि अधिकारी ने कि जाओ जहर खा के मर जाओ। ये है 100 दिन के काम में। और सरकार को जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, जो कर्मचारियों ने वोट नहीं दिया, तो उनके महंगाई भत्ता को रोक दिया। इस दौरान उपचुनाव में आजमगढ़ रामपुर में सपा की हार पर उन्होंने सीधे अखिलेश यादव पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा AC में बैठकर राजनीति करेंगे तो जो हाल BSP और कांग्रेस का हुआ वही हाल आपका भी होगा। जब तक धरातल पे नहीं जाएंगे तब तक इसी तरह अपना AC में मजा लेते रहे। मैं बार बार कहता हूँ AC में बैठ करके बहुजन समाज पार्टी ने राजनीति करना शुरू किया, 1 सीट बची UP में। दिल्ली में AC में बैठ के कांग्रेस राजनीति करना शुरू किया, 2 सीट उत्तर प्रदेश में बची हैं। तो AC के कमरे से निकल करके हम लोगों को जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है, जनता को समझाने की ज़रूरत है, हमको बूथ सेक्टर कमेटी बनाने की ज़रूरत है, न कि हम यहाँ से खाली प्रेस वार्ता करके और लोगों को मैसेज दे करके नहीं कर सकते। हालांकि राजभर ने यह भी कहा कि 2024 आम चुनाव में फिर से सभी इकट्ठा नजर आएंगे और एक बड़ा खेल होगा। अखिलेश यादव ही हमारा इंजन होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश की जनता आम चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।